हेलो एवरी वन आई एम रचना भदौरिया वेलकम बैक टू माई चैनल टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट नेशनल कैडेट कॉप्स स्पेशल एंट्री स्कीम एन सी सी यानी नेशनल कैडेट कॉप्स इस एंट्री के थ्रू आप इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं यह एक स्पेशल एंट्री होती है जिसके लिए सिर्फ एन कैडेट्स कैडिट्स ही एलिजिबल होते हैं इसका नोटिफिकेशन साल में दो बार निकलता है एक जून में और दूसरा दिसंबर में एन कैडेट को इसमें अप्लाई करने के लिए सी सर्टिफिकेट मिनिमम बी ग्रेड और ५० प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएट होना अनिवार्य है इसके लिए कैंडिडेट की एज 19 से 25 साल के बीच होनी चाहिए इस एंट्री स्कीम के लिए मेल व फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एस एस सी एंट्री फॉर वुमेन एस एस सी टेक एंट्री यानी शॉर्ट सर्विस टेक्निकल एंट्री शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मैन की तरह ही है इसका नोटिफिकेशन भी साल में दो बार निकलता है एक जून जुलाई में और दूसरा दिसंबर व जनवरी में इस एंट्री के थ्रू सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं और कैंडिडेट के पास टेक्निकल डिग्री होना कंपलसरी है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बी या बी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट की एज बीस से सत्ताईस साल के बीच होनी चाहिए इसके लिए केवल अनमेरिड फीमेल्स ही एलिजिबल होती हैं एस एस सी टेक एंट्री फॉर मैन के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ जो ऊपर आई बटन में दिख रहा है वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें जज एडवोकेट जर्नल एंट्री जे ई जी यानी जज एडवोकेट जर्नल एंट्री अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं और आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस एंट्री के थ्रू इंडियन आर्मी में जा सकते हैं यह एंट्री भी शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री होती है और इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट डॉट इन पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास मिनिमम पचपन प्रतिशत अंकों के साथ एल डिग्री होनी चाहिए और इसके लिए आपकी एज 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए इस एंट्री के लिए मेल व फीमेल दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री ए सी सी यानी आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री इस एंट्री के लिए सिर्फ आर्मी कैडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं यानी कि अगर आप इंडियन आर्मी में मिनिमम दो साल से सर्विस कर रहे हैं तो आप इस एंट्री के थ्रू रेगुलर कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसका नोटिफिकेशन साल में दो बार निकलता है एक मार्च में और दूसरा अगस्त में इसका कोर्स ड्यूरेशन चार साल का होता है इसमें से आपको तीन साल ए सी सी विंग में ट्रेनिंग दी जाती है और फिर एक साल आई एम ए देहरादून में ट्रेनिंग दी जाती है इस एंट्री के थ्रू अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन बारहवीं के साथ इंडियन आर्मी में दो साल की मिनिमम सर्विस होनी अनिवार्य होती है इसके लिए आपकी एज 20 से 27 साल के बीच होनी चाहिए स्पेशल कमीशन ऑफिसर एंट्री एस यानी स्पेशल कमीशन ऑफिसर एंट्री यह एंट्री भी ए एंट्री की तरह सर्विस एंट्री होती है जिसके थ्रू इंडियन आर्मी में काम कर रहे जे सी अर्थात अदर रैंक के सोल्जर्स रेगुलर कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसका नोटिफिकेशन भी साल में दो बार निकलता है पहला अप्रैल में और दूसरा जुलाई में इस एंट्री के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ट्वेल्थ के साथ इंडियन आर्मी में मिनिमम पाँच साल की सर्विस होना कंपलसरी है इसके लिए कैंडिडेट की एज 28 से 35 साल के बीच होनी चाहिए परमानेंट कमीशन स्पेशल लिस्ट पी सी एस एल यानी परमानेंट कमीशन स्पेशल लिस्ट यह एंट्री भी सर्विस एंट्री होती है जिसके थ्रू इंडियन आर्मी में काम कर रहे जे और एन अर्थात अदर रैंक के सोल्जर्स जिनकी एज 40 साल से अव हो चुकी है और मिनिमम सर्विस 10 साल हो चुकी है वो इस एंट्री के थ्रू रेगुलर कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस एंट्री का नोटिफिकेशन साल में दो बार निकलता है एक अप्रैल में और दूसरा जुलाई में इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ट्वेल्थ पास होना चाहिए टेरिटोरियल आर्मी टेरिटोरियल आर्मी एक अस्थाई आर्मी सर्विस होती है यानी कि इसके थ्रू आप इंडियन आर्मी में एक लिमिटेड टाइम के लिए ही सर्विस कर सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी को मेनली एमरजेंसी सिचुएशंस के लिए बनाया गया है इसका काम इंडियन आर्मी को पैकअप देना होता है इसलिए इसे पैकअप फोर्स भी कहते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट डॉट इन पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना कंपलसरी होता है और इसके लिए आपकी एज 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए इस एंट्री के लिए सिर्फ मेल इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं तो ये थी कुछ कैटेगरीज जिनके थ्रू आप इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक व शेयर करें व कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें व नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जय हिंद जय भारत